खटीमा भारत नेपाल सीमा स्थित नारायण नगर एवं खेलड़िया गांव के जंगल में माफियाओं द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने अधिकारियों को दी। सूचना के बाद एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे, निरीक्षण किया है और लकड़ी को जब्त किया है। ग्रामीणों ने अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी भी दी। वहीं कर्मचारियों और वन तस्करों की मिली भगत से आपको बता दें कि जंगल कटाई का खेल चल रहा है। गैर कानूनी तरीके से लकड़ियां ले जा रहे हैं, जो पेड़ गिराना नहीं है वो पेड़ को गिरा के ले जा रहे हैं। इससे पहले भी सागुन के पेड़ तमाम जो है नदी में से सब उठा के ले गए। ये लिप्टी का पेड़ गैर कानूनी तरीके से लोग ले जा रहे हैं, कोई निगम के नाम पे ले जा रहे हैं, लेकिन निगम पे नहीं जा रहा है, ये इसको कोई ठेकेदार ले जा रहा है। हमारे जो अफसर है वो लोग दे रहे हैं, उसी तरीके से ले जा रहे हैं। किसी व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई थी यहाँ पर अवैध रूप से इसके पेड़ का, जो कि काफ़ी बड़ा पेड़ है, उसका कटान अवैध रूप से किया जा रहा है। तो हम मौके में पहुँचे, मौके में हमने फिर फॉरेस्ट रेंजर से बात की तो कहा गया कि कोई हनीफ करके एक व्यक्ति है जो इसमें इन्वॉल्व था, जबकि यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई जीत प्रकाश करके व्यक्ति है, तो यूपी का रहने वाला है और यहाँ पर हमारे खटीमा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता है, उसकी मिली भगत है। तो एक जाँच का विषय है, मैंने एसडीओ साहब को कह दिया कि इसको अभी तो हम इसको जब्त कर रहे हैं और इसमें जांच बैठी जाएगी कि अगर ये जीत प्रकाश का इसमें इन्वॉल्वमेंट मिलता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें मेरी जानकारी में आया कि यहाँ पर एक यूकेलिप्टस का सूखा हुआ पेड़ काटा गया है, तो मैंने अपने स्टाफ के साथ यहाँ पर आया हूँ और इसकी इंक्वायरी की जा रही है। इसमें एक खटीमा से किसी हनीफ का नाम सामने आया है अभी तक, वो उसके खिलाफ हम जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको हम करते हैं और जो भी हमारे वन अधिनियम के तहत जो भी अन्य कार्रवाई होगी वो भी हम इसमें जारी रखेंगे। सर नाम है इसमें, सर कुछ लोगों के नाम इनके द्वारा बताए जा रहे हैं, इसमें हम लोग इसके विषय में भी अगर इनकी तरफ से कोई प्रत्यावेदन अगर मिल जाता है हमें तो और ज़्यादा बेटर हो जाता, उसके नाम का हमारा खुलासा हो जाता और उसमें भी हम अपने स्तर से और जो भी उच्चाधिकारियों के स्तर से उसमें भी जो भी जाँच की जाएगी उसमें जो भी निर्णय उच्चाधिकारियों द्वारा और उसके जो जाँच उपरांत जो तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी।